अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पटेल फतेहपुर ब्लॉग में। और दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं महाकाल कॉरिडोर दिखाने के लिए उज्जैन में। तो दोस्तों, चलते हैं फिर देर किस बात की, वीडियो की तरफ। लगभग 23 हेक्टेयर में फैला हुआ ये महाकाल लोक, जो कि महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर के आसपास बना हुआ है, 900 मीटर लंबा। यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ के जीवन की जितनी भी घटनाएं हुई हैं वहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो दोस्तों, इस समय हम हैं नंदी गेट के पास और यहाँ से एंट्री ली जाती है। नंदी गेट की ऊंचाई दोस्तों 26 फीट ऊंची है और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का दिव्य लोक, आज तक की जितनी भी लीलाएँ, जितने भी जीवन में घटनाएं हुई है भगवान भोलेनाथ की, वही दर्शाने की कोशिश किया गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर, जिसको महाकाल लोक भी बोला जाता है। दोस्तों, यहां का सबसे आकर्षण का केंद्र है भगवान भोलेनाथ के चारों तरफ जो झरना चलता है। इस समय आप देख रहे हो सप्तऋषि, बहुत ही सुंदर झांकी सप्तऋषियों की बना रखी है। सप्तऋषियों के दर्शन कर रहे हो इस समय आप महाकाल कॉरिडोर के अंदर, महाकाल लोक में। महाकाल कॉरिडोर दोस्तों, वैसे तो आप दिन में कभी भी आ सकते हो, देख सकते हो, लेकिन इसका असली मजा देखने का शाम को 6 बजे के बाद ही है। जब यहाँ पर लाइटिंग जल जाती है तो यहाँ पर देखने का आनंद दुगना हो जाता है। वैसे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक यह कॉरिडोर खुला रहता है दर्शकों के लिए और यहाँ पर हजारों दर्शक जो कि महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर कॉरिडोर से होते हुए आते हैं। दोस्तों, ये झांकी जो आप देख रहे हो, ये महाकाल मंदिर के आसपास कॉरिडोर बना हुआ है और इसी से हम महाकालेश्वर मंदिर तक भी जा सकते हैं। सेंटर पर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित है और इसके बहुत ही भव्य नक्काशी के साथ बना हुआ ये महाकाल लोक जो आप इस समय दर्शन कर रहे हो, हर एक पिलर में बहुत अच्छी सी डिजाइन बना रखी है और इसका एरिया 900 मीटर लंबा है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से लगभग 7 गुना बड़ा ये महाकालेश्वर मंदिर के पास जो कॉरिडोर बना हुआ है, महाकाल लोक बोलते हैं इसको। आज मैं आपको उसी के दर्शन कराने के लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ये चित्र यही दर्शाता है कि जो महाकाल की शरण में आ जाता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान भोलेनाथ की बारात का दृश्य आप इस समय दर्शन कर रहे हो। समुद्र मंथन के टाइम में भगवान भोलेनाथ ने हलाहल पान किया था, उसकी सुंदर झांकी अभी आपने देखा। और ये झांकी है रावण जो हिमालय पर्वत को उठा करके ले जा रहा था, उसका दिव्य अवलोकन अभी आपने किया। भगवान भोलेनाथ की सुंदर सुंदर झांकियां, तो नजारा आप इस समय देख रहे हो महाकाल कॉरिडोर महाकाल लोक में। पंचमुखी, भगवान भोलेनाथ का पंचमुखी अवतार इस समय आप देख रहे हो। सबसे आकर्षण का केंद्र, यहां पर शेरों के मुंह से फुव्वारा निकलता है और भगवान भोलेनाथ की जटाओं से गंगा की तरह जलधारा बहती है यहां पर, जो कि आप देख रहे हो इस समय, बहुत ही सुंदर नजारा। महाकाल लोक उज्जैन से आप सुंदर नजारा का अवलोकन करते हुए, जो कि आप को मैं लेकर के आया हूं आज उज्जैन महाकालेश्वर कॉरिडोर दिखाने के लिए।
दोस्तों बने रहना लास्ट तक वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है आज का। भगवान भोलेनाथ की जीवन की हर एक लीला का वर्णन किया गया है इसमें। और ये रास्ता आ गया है महाकाल कॉरिडोर की तरफ। भगवान कार्तिकेय को दर्शाया गया है यहां पर, जो कि आप इस समय देख रहे हो। और ये त्रिपुरासुर राक्षस का वध करते हुए भगवान भोलेनाथ। त्रिपुरासुर राक्षस जिसका भगवान भोलेनाथ ने वध किया था, सुंदर झांकी। और कार्तिकेय के दाहिनी तरफ भगवान गणेश जी विराजमान हैं। और यहां पर दोस्तों सुंदर नजारा आप देख रहे हो, पार्वती के हाथ पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी। इस कॉरिडोर को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं दोस्तों, महाकाल लोक बोलते हैं इसको। और ये रेलवे स्टेशन उज्जैन रेलवे स्टेशन से महज 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पड़ता है। वहां से आप ई रिक्शा या ऑटो से आप यहां पर आ सकते हो। दोस्तों हमारा काम यहीं से समाप्त होता है, अब बचता है आपका काम। इस वीडियो को अपने भक्त पराने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने बन जाइए। और दोस्तों जितना से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र परिवार के लोग भी महाकाल लोक उज्जैन का अवलोकन कर सकें, दर्शन कर सकें, जिससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। और आज हमने आपको दिखाया उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के पास जो बना हुआ है महाकाल लोक, जिसको महाकाल कॉरिडोर भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको कर देना लाइक। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इसी तरह से एक वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।